चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए कि ये रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और जब भी रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो क्वाड्रेटिक को आप क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसा डिस्प्ले हो रहा है फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप पहले कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, जहाँ ए आपका 1 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा और सी तो एब्सेंट है, मतलब सी 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये रख देंगे वैल्यू तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 और सी 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 9। अब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले से हम लोग क्या कहते हैं, ए टाइम्स मतलब 1 टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a, तो b आपका कितना हो गया, 3 हो गया, बाई 2a, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, और माइनस d बाई 4a स्क्वायर, d मतलब 9 हो गया, बाई 4a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, 9 बाई 4 हो गया, और 9 बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट कुड बी रिटेन एज ए 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये आउटर ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। एक फाइनल चीज़ रही, 3 बाई 2 इंटू 1 को 3 बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक जो आपने तरीके लगाए यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बताइए पेपर में, है ना, कॉपी में। खैर, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक टर्न आउट टू बी इन परफेक्ट स्क्वायर एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब बोर्ड है तो सब कुछ दिखाना पड़ता है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करके दिखा देंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। खैर, तो ये लेट कर लिया हमने इसे एक सिंगल वेरिएबल t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो x का 1 हो जाएगा, 3 बाई 2 का 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू t का 1 हो जाएगा और dt लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है, ये फॉर्म आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन वेरिएबल चेंज है, एक्स यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, टी है, तो फॉर्मूला क्या होता था इसका, 1 बाई 2 टाइम्स टी इंटू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब जो भी आपके पास है, टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया आपका, 9 बाई 4 अपॉन 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, उसके बाद लॉग ऑफ मॉड, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी हो गया, ठीक है। फाइनल स्टेप रह गया, आप डमी वेरिएबल में आंसर नहीं लीव करेंगे, क्या करोगे आप, टी को जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया है ओरिजिनल वेरिएबल में रिप्लेस करिए, तो ये आपका टी हो गया एक्स प्लस 3 बाई 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स प्लस 3 बाई 2 टाइम्स, अंदर रख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक वही वाली आती है ओरिजिनल, तो वो रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, माइनस 9 बाई ये 8 हो जाएगा, और लॉग ऑफ टी क्या था आपका एक्स प्लस 3 बाई 2, और क्वाड्रेटिक आपकी थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, ये मॉड क्लोज जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर।